भिंडी की हेल्प से बनाएंगे आज एक ऐसा नेचुरल केराटिन ट्रीटमेंट जिसको अगर आप एक बार यूज करते हो तो कभी भी पार्लर से आपको केराटिन ट्रीटमेंट नहीं करवाना पड़ेगा। इसका रिजल्ट आपको इतना अमेजिंग मिलने वाला है अपने बालों के लिए। एक बार यूज करिए तो आप खुद इतने शौक हो जाओगे कि बार बार इसको यूज करोगे और इसके बेनिफिट्स अपने बालों के लिए उठाओगे। आपके बालों को ना तो सिर्फ स्ट्रेट करेगा बल्कि आपका हेयर फॉल भी रोकेगा और आपके नए बालों को ग्रो करने में भी ये हेल्प करेगा। इतना ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये। तो चलिए इसको बनाना देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए 8 से 10 भिंडी मीडियम साइज़ की। अच्छे से वॉश करने के बाद इसको सुखा लेना है। उसके बाद इसके आगे पीछे के जो होता है वो हटाकर छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेना है। अब मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में डाल दूंगी जिसमें मैं इसे कुक करूंगी। एक पैन है और साथ में मैं इसमें डालूंगी एक ग्लास पानी। अब हम लोग इसको बॉईल करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। जैसे जैसे ये बॉईल होता जाएगा आपको खुद नजर आएगा कि ये जेल रिलीज करता है। ये जो जेल होता है ये बालों के लिए किसी मैजिक से कम नहीं होता। इसमें इतने सारे प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बालों के लिए। बालों को स्ट्रेंथन करता है, स्मूदन करता है और बालों को नेचुरल केराटिन प्रोवाइड करता है जिससे कि बाल बहुत ही सिल्की और स्मूद बनते हैं। इसको कुक करते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो इसमें कितना अच्छा जेल फॉर्म होना शुरू भी हो चुका है। अच्छा खासा जेल बन चुका है। तो मैं इसे 1 से 2 मिनट और कुक करूंगी और इसकी गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं इसे एक ब्लेंडिंग जार में डाल रही हूँ। इसको ब्लेंड करेंगे, इस जो जेल है और ये जो भिंडी है हमारे पास, दोनों को साथ में ब्लेंड कर लेंगे। अभी भी ये गर्म है, थोड़े से गर्म में ही सारे प्रोसेस करना है ताकि जेल जो है ईजिली रिमूव हो जाए। ब्लेंड करने के बाद अब एक छन्नी के हेल्प से इसको हमें छान लेना है ताकि जो भिंडी के ग्रैनुअल्स हैं वो हट जाएं और प्लेन जेल हमारे पास आ जाए। छानने के लिए मैं यहाँ पे एक छन्नी का यूज़ कर रही हूँ। आप मलमल के कपड़े से छानो तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपको छानने में। इस टाइम अवेलेबल नहीं था तो मैं इसलिए छन्नी से इसको छान रही हूँ। और छानने के बाद ये हमारा जेल आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल बन के रेडी हुआ है। वैसे तो यहाँ पर भी आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हो बिना कुछ ऐड करे, बट मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करूँगी जो कि इसको और ज़्यादा पोटेंट बनाएगा। सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसमें ऐड कर देना है 3 से 4 चम्मच पानी और इसे अच्छे से पेस्ट बना लेना है लम्स फ्री सा, ताकि हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लें, कोई भी इसमें ग्रैनुल्स ना हो। अब इस कॉर्नफ्लावर के पेस्ट को हम लोग मिक्स कर लेंगे अपने जेल में और दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद पैन में डाल देंगे। पैन में डालने के बाद आपको इसको कुक करना है 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट में हमारी बहुत ही अमेजिंग केराटिन क्रीम बनके रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कितना अमेजिंग इसकी कंसिस्टेंसी बन चुकी है और अब ये बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। आपको बस इसे ठंडा करना है। एक बाउल में मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वर्जिन कोकोनट ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। 1 चम्मच इसमें ऐड करना है। नेक्स्ट मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ स्वीट आलमंड ऑयल। 1 चम्मच स्वीट आलमंड ऑयल भी इसमें ऐड कर देना है और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये जो आपके पास क्रीम बनके आएगी ये आपके लिए किसी भी मैजिक से कम नहीं है। आपके बालों को इतना स्मूथ, इतना शाइनी ये बना देगी कि आप जब इसे यूज़ करोगे तो आपको खुद फील होगा कि आपको पार्लर में जाके महंगे महंगे ट्रीटमेंट कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सिंपली आपको अपने बालों को अच्छे से डिटैंगल करके इसे अपने पूरी लेंथ पे और स्कैल्प पे अप्लाई कर लेना है। 1 घंटे के लिए छोड़ देना है और उसके बाद नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लेना है। वीक में एक बार यूज़ करो तो आपके कर्ली से कर्ली हेयर भी बहुत ही स्मूद और स्ट्रेट हो जाएंगे। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।